हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी कैसे हो और दिवाली की तैयारियां कैसी हो रही है आप सबकी? तो आज है दिवाली, तो ये दिवाली के दिन का ब्लॉग है। तो मैंने लगाया था दिवाली वाले दिन सासू माँ की मेहंदी, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही। तो मैंने मेहंदी लगाया था, मैंने अपनी सासू माँ के दोनों हाथों पे मेहंदी लगाया था। क्या है, नाइट में मैं सो गई थी, नाइट में बोला था एक दिन छोटी दिवाली को, एक दिन पहले, बट मैंने अपने लगाया था और एक हाथ पे हस्बैंड से लगवाया था। तो क्या है, इसलिए मैंने सासू माँ के नहीं लगा पाया। और फिर वो जल्दी सो जाती हैं, बात ये है, तो वो रात के 9 बजे तक सो जाती हैं, हम कहाँ 12 बजे तक सोते हैं, तो हम 9 बजे तक फ्री भी नहीं हो पाते, तो इसलिए और नहीं रखी थी। तो मैंने सासू माँ की मेहंदी रख दी और रख के ऊपर आ गई, तो सासू माँ ऊपर मेहंदी रखे, आप लोगों ने देखी देखा, तो मैं अपनी एक चारपाई उठा लाई थी, तो सोचा आराम से छत पे ये माला बनाऊंगी फूलों की, क्योंकि सुबह से ये फूल रखे हैं, तो अब दोपहर का टाइम है, तो सोचा अभी से करेंगे तो तभी फिर ये हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी तैयारियां करनी है दिवाली की। तो थोड़ा सा ये फूलों वूलों से डेकोरेशन कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है इस बार, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग समझ जाओ क्यों नहीं कर रहे। तो यही फूलों वूलों से थोड़ा सा हम डेकोरेशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम छत पे धूप में बैठे हैं, क्योंकि नहा धो के बाल भी सूख जाएंगे सोचा, और अपना माला भी बन जाएगा। और ये आम के पत्ते जो मैंने पापा से मंगाए गांव से आ गए, और अभी डुगू भी आ जाएगा आगे ब्लॉग में, देखना। डुगू ने तो मुझे माली नहीं बनाने दी थी, मैं बड़ी मुश्किल से, उसने भी हाँ फिर 2 माला बनाई थी, टोटल हमने 5 माला बनाई थी, और फूल बचे थे उसकी हमने रंगोलियाँ बना दी थी, और कलर की भी रंगोली बनाई थी और फूलों की भी रंगोली बनाई। तो आप लोगों की दिवाली की तैयारियाँ कैसी रही और कैसी चल रही है, तो वो भी मुझे बताना। और ये देख रहे हो, मैंने बोला था और डुगू आ गया, तो ये देखिएगा मैंने माला बना दी। और ये मैंने ऐसी माला, पता है, हस्बैंड ने बनाया था एक, तो उनकी देख के मैंने बना लिया, मुझे वैसे माला बनाना नहीं आती। तो ये देख रहे हो, दूसरी माला पकड़ी, वो मैंने बनाई थी, तो फिर मैंने देख के सुंदर सी माला बना ली। माला बनाया ही, और खाना आना भी बनाया ही, और मतलब पूजा करने के लिए। तो मैं अब फ्री हो गई एकदम इन चीज़ों से, किचन से फ्री हो गई, वैसे फ्री नहीं हुई। तो सोचा थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं, तो ये पर्दे लगा दिए मैंने, तो ये पर्दे लगा दिए, क्योंकि वीडियो वीडियो भी शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाती हूँ मैं, और चैलेंज वीडियो वगैरह इस टाइप के, तो ये बीच में अलमारी पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा व्यू हो जाता है पीछे का, और तो इसीलिए मैंने ये पर्दे भी लगा दिए। अभी पाइप मंगाया, पर्दे नहीं, सॉरी, पर्दे रखे थे पिछली साल के, न्यू रखे थे, और ये देखिएगा न्यू रखे थे, बॉक्स में पड़े पड़े ऐसे हो गए, मैंने खूब प्रेस लगाई इन पे, बट सही नहीं, सीधे नहीं हुए, तो सोचा धुल जाएंगे एक बार तो सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं, अभी देखा था, अब वो सूखेंगी भी नहीं इतनी जल्दी, इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया प्रेस करके। तो एक माला इधर लगा दी मैंने पर्दों की बगल से, और एक माला गेट पे लगा दूंगी, और उसके बाद मैं होंगी रेडी। तो आज मैं कैसी कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ वो तो आपको नहीं बताया है, तो आप लोग खुद ही देखना दिवाली वाला, मतलब नाइट में, दिवाली तो आज ही है भाई, मैं कह रही तो आज देखना नाइट में ब्लॉग मेरा दिवाली का, देखना दिवाली का ब्लॉग, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, थोड़ा एडिटिंग वगैरह का भी टाइम चाहिए, और दिवाली के टाइम काफ़ी व्लॉग हो जाते हैं, तो एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर उसके 2-4 दिन बाद डालेंगे, क्योंकि ये तुरंत तो नहीं डाल पाते हम लोग,
तो ये देखिए, ये आगे वाला पर्दा है जो गेट वाला, मेन गेट का। तो दोनों साइड में एक सेम जैसे पर्दे हो गए ब्राउन। ये हमने चार, तभी तो पिछली साल हमने चार पर्दे मंगाए थे, तो ये दो तो गेट पे लग गए और दो इधर लग गए। वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया, आया नहीं। और मैंने फ्रेंड्स, आज सबसे बड़ी दुख की बात, मैंने चादर ऑर्डर की थी कॉटन की अच्छी, और मैंने अपनी पसंद की थी, बट चादर नहीं आई, तो ये पुरानी चादर बिछानी पड़ रही है। बहुत बुरा लग रहा कि न्यू चादर नहीं आ पाई। तो ये दुगु ने ये वाली माला बनाई है, इसमें फूल कम डाले, इसलिए हम इसको थोड़ा अलग अलग फैला रहे हैं। कंजूसी करती है दुगु ने माला।